नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। ये जो सेशन है वो है सोशल साइंस का, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर आज हम जानेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति के बारे में। इससे संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप जल्दी से हमें फ़ोन कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, 8800440559। इससे मुतालिक अगर आपके सुझाव हैं तो आप मेल भी कर सकते हैं dth.class9@cit.nic.in पर। इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए पीएम विद्या का चैनल नंबर 9 आप ट्यून इन कर सकते हैं और एनसीईआरटी ऑफिशियल पर भी इस प्रोग्राम की लाइव कवरेज जारी है। वहाँ पर भी आप हमसे सीधे सीधे रूबरू हो सकते हैं। हमारे साथ वर्चुअली जुड़ रहे हैं डॉक्टर रवि शेखर सिंह, जो कि सुनविन विमेंस कॉलेज वरुणा वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका। थैंक यू सर। चलिए, आपने फ्रांस की क्रांति के बारे में बात की है तो मेरा सीधा सीधा सा प्रश्न ये है कि पहले तो उसको आप ब्रीफ करें कि फ्रांस की क्रांति से आप क्या समझते हैं। जब हम क्रांति शब्द को यूज़ करते हैं तो आखिरकार ये क्रांति महज शब्दों की परिपाटी है या फिर उसके पीछे के जितने जो स्ट्रगल्स रहे हैं वो जाकर एक क्रांति को जन्म देते, तो आखिर ये क्रांति है क्या, समझ लेते हैं। क्रांति का मतलब ही होता है रेडिकल चेंज, आमूलचूल परिवर्तन। और ये परिवर्तन एक्चुअली किसी भी समाज में हम देखते हैं कि क्रांति कौन करता है। क्रांति वो करता है जिसको अधिकार नहीं मिलते हैं, इट मीन्स लोअर क्लास। जो डिस्पैरिटी है समाज में उस चीज को खत्म करने के लिए जो नीचे के तबके के लोग जो डिमांड करते हैं लेकिन उनकी डिमांड मानी नहीं जाती, क्योंकि जो अपर क्लास है, जो सत्ताधारी लोग हैं, वो उनकी बात मानेंगे तो उनको प्रॉब्लम में आएंगे वो। इसलिए इस और ये जो है जो मार्क्स ने कहा है क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष, तो ज्यादातर अमूलन क्रांति जो होती है वो जो है रक्त रंजित होती है। लेकिन ऐसा भी उदाहरण मिलता है विश्व इतिहास में कि जो बहुत जिसे गौरवमय क्रांति की बात करें तो वो उसके लिए जो है खूनी संघर्ष नहीं हुआ, वो सत्ता का परिवर्तन हो गया क्योंकि पब्लिक चाहती थी और रूलर जो है चले गए। अगर वो अपोज किए होते तो हो सकता था उनको भी फिर जो है वो चीजें फेस करनी पड़ती, वायलेंस को फेस करना पड़ता, क्रुएल्टी को फेस करना पड़ता। तो क्रांति जो समाज में इस समय चल रहा है, सब किसी भी समाज में अगर जो नीचे के तबके जिसका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिनका जो है शोषण हो रहा है, उस शोषण से मुक्त होने के लिए वो जो डिमांड कर सकते हैं और उनकी बातें जब नहीं मानी जाती है तो फिर वो जो है वायलेंस का सहारा लेते हैं। तो इसलिए जो है जो क्रांति है वो एक तरह से चेंज है, अमूलचूल परिवर्तन है, ऐसा परिवर्तन जो कि समाज के हर क्षेत्र में होता है, उससे जो एक बड़ा तबका जुड़ा होता है। तो क्रांति का मतलब एक आइडियोलॉजी, वो आइडियोलॉजी जिससे एक बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा होता है और ये चेंज लाता है, समाज में परिवर्तन लाता है। बिल्कुल, आपने वर्ग संघर्ष की बात करी, आपने निचले तबकों की बात करी। फ्रांस की क्रांति के मद्देनज़र जब आप हम इन चीज़ों को देखते हैं, इतिहास के पन्नों में उलटकर उनको देखने की कोशिश करते हैं, तो ये आखिर संघर्ष होता क्यों है। चलिए, क्रांति तो एक ओबियसली एक पॉइंट आता है कि अगर सब्र की भी एक सीमा है, जब कुबते बर्दाश्त चीत बाहर हो जाए तो फिर वो जाकर क्रांति में परिलक्षित होना उसका स्वाभाविक है। तो आखिरकार ये जो वर्ग संघर्ष की आप बात कर रहे थे कक्षा 9 के विद्यार्थियों को, रवि जी आप जल्दी से ये भी बताएं कि आखिरकार वो वर्ग संघर्ष इतना दबा कुचला क्यों था, उनको उतनी सहभागिता क्यों नहीं थी जो उच्च स्तरीय वर्ग के लोगों को थी, और आखिरकार कब वो चीज़ उनके अमल में आई। कोई ऐसा व्यक्ति आया या समाज सुधारक आए या ऐसे वर्ग के कुछ लोग आए जिन्होंने उनको साथ में लेकर चलने की कोशिश की। क्रांति की शुरुआत निचले तबके से ही होती, निचला तबका इसको कहता है, लेकिन उनको जो लीड करते हैं जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उनमें ऐसा समर्थ होता है कि वो क्रांति लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब किसी भी समाज में अगर क्रांति की बात करते हैं तो इट मीन्स यहाँ पे इंटेलेक्चुअल क्लास की बात हो रहा है, क्योंकि जो दबा कुचला तबका है, जो गरीब तबका है, हुआ तबका है, उसमें ये सामर्थ्य नहीं कि वो क्रांति कर सके। उसको लीड कौन करेगा, लीड करेगा इंटेलेक्चुअल क्लास। इसलिए क्रांति जहां भी हुई है वहां मध्यम वर्ग ही जो है लीडिंग पावर में रहा। अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी भी मध्यम वर्ग थे, अगर इंडिया की बात करें, और इस तरह अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी जो चीजें हैं वो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के पास पैसा है, बुर्गीज है, जो जिनको हम बुर्गीज कहते हैं फ्रेंच में, इनके पास पैसा है लेकिन इनके पास राइट नहीं है, इनको प्रिविलेज राइट नहीं है। इनको ये था कि हम जो है पैसा लोगों को दे रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन उसका जो है जो मिसयूज हो रहा है, मिसयूज किसके द्वारा हो रहा है, जो दो स्टेट है, क्लर्की क्लास और जो आपके नोबिलिटी की क्लास है। और ये जो क्रांति वर्ग संघर्ष का मतलब ये है कि समानता के लिए किया जाने वाला संघर्ष। अगर कहीं शोषण है और ये शोषण ब्रॉड लेवल पे है तो कोई ना कोई तो उठेगा इस शोषण के खिलाफ, कोई ना कोई तो बोलेगा और ये अपनी बातें रखेगा, वो जान रहा है उसकी बातें नहीं मानी जाएगी,
तो जैसे क्रांति की परिभाषा अलग अलग लोगों ने दी है। जी जी। पहले लोगों ने कहा कि जो है हम जो है अपनी बातें रखेंगे, अपोज करेंगे, और ये अपोज केवल इंटेलेक्चुअल लेवल पे नहीं होगा, इसमें जो है फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल दोनों चीजें आएंगी। और जब इस जब आप फिजिकली जब अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं क्रांति में, तो फिर ये जो है कंडीशनर्स, या फिर आप ये कह सकते हैं इसमें वायलेंस आ जाता है, इसमें हिंसा आ जाती है। और यही चीज हम जो है पूरे विश्व इतिहास में हम देखते हैं कि जहां जहां क्रांति हुई, अगर खाली ग्लोरियस रेवोल्यूशन की बात करें, गौरवमय क्रांति जो इंग्लैंड में हुई थी 1688 में, तो इसमें ये केवल एक क्रांति ऐसा है कि जो बिना खूनी संघर्ष के हो गया, ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा जाता है इसी। बाकी जितनी भी क्रांतियां हुई, चाहे वो आप विश्व इतिहास में फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लें, रशियन रेवोल्यूशन देख लें, या फिर जहां भी मूवमेंट चल रहे थे, उसमें जो है कहीं ना कहीं वायलेंस हमको देखने को मिलता है। और ये नेचुरल चीजें हैं, क्योंकि हम जैसा कि हम बताया कि अपर क्लास के जो लोग हैं वो चेंज के अगेंस्ट में होते हैं, क्योंकि अगर वो चेंज होगा तो वो डायरेक्ट अफेक्ट होंगे उससे, वो प्रभावित होंगे। इसीलिए वो चीजें जो है क्रांति लाने का तात्पर्य ही होता है कि जो उनको राइट नहीं मिल रहा है, जो कि नीचे का तबका है, वो अपने अधिकारों के लिए मांग करता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, जो कि हमको फ्रेंच रेवोल्यूशन में दिखता है। बिल्कुल, कुछ आयाम आपने दिखाए, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड ऑफ कोर्स फ्रेटर्निटी, एक चित्र हम यहाँ पर देख रहे हैं। अक्सर एक प्रश्न आता है विश्व क्रांति के संदर्भ में, तो प्रोफेसर सिंह की क्रांति जो है वो अपने आप में ही एक बहुत बृहद कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो फ्रांस की क्रांति की हम बात कर रहे हैं वो परिस्थितियों के ऊपर ही, आई थिंक मेरा इशारा कहीं ना कहीं जा रहा है कि ये क्रांति आखिरकार फ्रांस में ही क्यों हुई। आप जर्मनी का नाजीवाद, फासीवाद यहाँ पर भी देख सकते हैं, आगे भी क्रांतियाँ होती हुई चली हुई हैं, लेकिन फ्रांस की क्रांति को हम बहुत ज़्यादा महत्व उसमें देखते हैं। आपने एक शब्द यूज़ किया था रक्त रंजित, आखिर मेरा इशारा वहीं पर ही जा रहा था कि ये जो क्रांति आमूलचूल हम बात कर रहे हैं ये फ्रांस में ही क्यों घटित हुई, आखिरकार वो परिस्थितियाँ क्या थी, वो क्यों निर्मित हुई जिससे क्रांति की। अगर जिस समय फ्रांस में क्रांति हुई, और उस समय हम अगर पुरातन व्यवस्था की बात करें, तो पूरे एंटायर यूरोप, जितने भी यूरोप की जितने भी कंट्री है, सभी जगह ऑटोक्रेसी है, सभी जगह मोनार्किज्म है, सभी जगह राजतंत्र है, सभी जगह शोषण हो रहा है निचले तबके का, पीजेंट्री का, किसानों का, वर्कर्स का, मिडिल क्लास का, और सभी जगह जो है दो ग्रुप में सोसाइटी डिवाइड हैव्स एंड हैव्स नॉट, श्रीहीन और श्रीमान। इट मीन्स जो यहाँ पे डिस्पैरिटी है, और ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जैसा कि आपने कहा सर, एक जो है फिर से क्वेश्चन के हम जो मिस कर गए, आप क्या पूछ रहे थे, बस जस्ट बस एक रिकॉल करिए, हमें रिमाइंड करिए, रिमाइंड कराइए। हेलो सर। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, क्या आप एक क्या क्वेश्चन था आपका? अच्छा, फ्रांस में क्रांति हुई, सॉरी सर। हाँ, तो फ्रांस में क्रांति इसीलिए हुई क्योंकि यहाँ पे मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास और कॉन्शियस मिडिल क्लास है, जागरूक मध्यम वर्ग है, जागरूक मध्यम वर्ग है, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जिसमें हम मॉन्टेस्क्यू की बात करें, हम रूसो की बात करें, हम वॉल्टेयर की, जो कि और बाकी हम ऑस्ट्रिया में देख रहे हैं ना, हम रशिया जो हम उसको जो है जर्मनी में देख रहे हैं, प्रुशिया में देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो चीजें हैं, और देखिए सबसे बड़ी बात की जो इनेप्ट रूलर है, जो यहाँ पे मोनार्किज्म है, और जो यहाँ पे रूलर है लुई 16, वो कमजोर है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, लेकिन विल पावर की कमी है। लेकिन बाकी देशों में ऐसा नहीं है, वहां पे जो मोनार्की है स्ट्रांग है, तो इसलिए जनता वहां विद्रोह नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल पावर ही वीक हो गया। इसलिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो सर्कमस्टेंसेस तैयार थे, अगर एंटायर यूरोप में बात करें रेवोल्यूशन, तो उस रेवोल्यूशन के जो सर्कमस्टेंसेस थे वो फ्रांस में ही था, और इसलिए जो क्रांति हुई वो फ्रांस में ही हुई। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें जो है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में मोनार्किज्म जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो वहां तो बात वो तो खैर यूरोप से अगर मेन इंग्लिश चैनल के थ्रू अलग है, लेकिन अगर मेन प्रॉपर जो यूरोप की हम बात करें, तो जो सभी जगह की स्थितियां एक जैसी हैं, परिस्थितियां एक जैसी हैं, लेकिन फ्रांस में ऐसी परिस्थिति है, क्रांति की अनुकूल परिस्थिति है, क्योंकि क्रांति को जो लीड कर रहे हैं मध्यम वर्ग, वो यहाँ मौजूद है। और ये मध्यम वर्ग कैसा मध्यम वर्ग है? जागरूक मध्यम वर्ग है, जिसके पास पैसा है, इसमें वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, लेखक हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो है आपके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं। तो इसलिए जो है फ्रांस की क्रांति फ्रांस में ही हुई, क्योंकि यहाँ पे पहली बात की यहाँ पे अगर हम बात करें मिडिल क्लास है, जो कि कॉन्शियस है काफी। दूसरी चीज अगर हम बात करें, यहाँ पे जो सेंट्रल पावर है, इट मीन जो रूलर है मोनार्की काफी कमजोर है। दूसरी चीज यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो कि बुद्धिजीवी वर्ग है, और साथ ही साथ जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, उसका भी प्रभाव फ्रेंच रेवोल्यूशन पे कहीं ना कहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ के सैनिक वहां वॉर करने गए अमेरिका की ओर से, ब्रिटेन के अगेंस्ट में, तो उन्होंने ये चीज देखा था कि कैसे हम वॉर करके अपनी स्वतंत्रता को ले सकते हैं, तो इसलिए वो जो है इनसे प्रभावित थे। और
ये सब जो सर्कमस्टेंसेस थे बाकी और देशों में हम नहीं देखते हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए जो लुई 14 के टाइम पीरियड में जो पैलेस ऑफ वर्सिल बनाया गया, जो काफी जो है एक तरह से जो है काफी लग्जरियस था, और फ्रांस की जो है कैपिटल कहाँ है, पेरिस में। तो ये जो पेरिस और जो रूलर रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, वर्सिल, और जो कैपिटल है वो पेरिस में है। तो ये जो स्थिति है, जो दोनों में डिस्कॉर्ड है, दोनों में मतभेद है, वर्सिल और ये भी एक रीजन था फ्रांस की क्रांति, जो कि हम बाकी यूरोपियन कंट्री में ऐसा नहीं देखते हैं। सर बिल्कुल, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कहा जाता है डॉक्टर सिंह की, फ्रांसीसी क्रांति एक विश्वव्यापी चरित्र को लेके सामने आई थी। क्रांतिकारियों ने 1789 में मनुष्य तथा नागरिक अधिकारों की घोषणा की थी, जिसके तहत ओबियसली जब आप ऐसे अधिकारों की घोषणा करेंगे तो जो आपके ऊपर एक वर्ग बैठा हुआ है जो सारी चीज़ों को परिचालित कर रहा है उसको ये बात थोड़ी सी हजम सी नहीं होगी, जिसमें कहा गया कि जन्म से पैदा होने के कारण सभी मनुष्यों को समान अधिकार मिलना चाहिए और सभी देशों के लिए, मनुष्यों के लिए और सभी समय के लिए। उदाहरण स्वरूप ये दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत हुआ था। अब प्रश्न उठता है कि उस समय जो तात्कालीन रूलर था लुई 16वां, क्या उसको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है कि वही इस क्रांति के लिए जिम्मेदार था, या फिर उसके निकट सिक्के का एक दूसरा पहलू का अन्य कारण भी थे, या फिर लुई 16वां को इसी नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए, थोड़ा सा बचाव किया जाना चाहिए, या वास्तव में लुई 16वां इस क्रांति के लिए जिम्मेदार था, कैसे समझिए? इतिहासकारों का एक वर्ग लुई को इस बात से बिल्कुल भी क्रांति के लिए रिस्पॉन्सिबल, लेकिन इतिहासकारों का एक दूसरा वर्ग है जो टोटली जो है इनको रिस्पॉन्सिबल मानता है। अगर लुई के कैरेक्टर की बात करें, लुई 16 की, तो ऑनेस्ट थे, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड थे और जो है समाज का कल्याण करना चाहते थे। लेकिन इनपे बहुत ज्यादा प्रभाव है इनकी क्वीन मैरी एंटोनेट, जो कि अननेसेसरी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करती थी। अगर फ्रांस में इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो रही है तो इन्होंने जो है वन बाई वन करके जो है अपने फाइनेंस मिनिस्टर को बदला, और इस फाइनेंस मिनिस्टर को बदलने के पीछे मैरी एंटोनेट का ही हाथ, इनमें विल पावर की कमी। ये कभी भी जो राजत्व है, जो किंगशिप है, उसको उन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं। ये मनोरंजन ढूंढते थे, जो है शिकार करते थे, हंटिंग करते थे अपने पैलेस की खिड़कियों में से, वो जो है जलाशय को बनवाने में मनोरंजन ढूंढते थे। तो जो एक राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भाई आप रूलर है पूरे एंटायर फ्रांस के, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबसे ज्यादा थी, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने कभी सीरियसली नहीं लिया या उसको समझ नहीं पाया। अगर आप में विल पावर की कमी है तो फिर आप लीडिंग पावर, आप लीडर ही नहीं बन सकते। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं इसमें अगर पूरे एंटायर चीजों को हम देखें ब्रीफ में, तो लुई 16 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि अगर वो अपने रानी के प्रभाव में ना आते, नोबिलिटी के प्रभाव में ना आते, तो हो सकता था ये क्रांति उस समय बाद होती, रुक जाती, या अगर ये बहुत ज्यादा जो है अगर कैपेबल होते, बहुत ज्यादा योग्य होते, तो ये स्थितियों को समझ के उसके अनुसार ये परिवर्तन करके इस क्रांति को रोका जा सकता था। तो अगर हमारे विचार से तो डायरेक्ट अगर देखा जाए तो ये रिस्पॉन्सिबल थे शॉर्ट में। चलिए इस बात से आगे की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, फ्रांसीसी क्रांति विश्व की कहते हैं कि क्रांतिकारी युगांतकारी घटना के रूप में इसको देखा जाता है। 1789 से 1800 तक ये ईस्वी तक चली, उसके बाद कई ऐसे क्रांतिकारी वहाँ पर इवेंट्स देखे गए। नेपोलियन के काल को भी किस क्रांति के अंतर्गत फिर वैसे आगे के देखा जा सकता है। फ्रांस की क्रांति पर वापस लौटते हैं, जहां पर राजतंत्र के बाद गणतंत्र ने अपना स्थान बना लिया था, लेकिन राजतंत्र से गणतंत्र तक के स्थापित होने तक की जो यात्रा रही काफ़ी रक्त रंजित भी रही, बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारे घमासान वहाँ पर देखे गए। तो फिर जहाँ पर अब प्रश्न उठता है कि जो जहाँ आप लाठी बंदूक और इसके सारे लड़ाई लड़ते थे, अब वो लड़ाई जाकर वैचारिक स्तर पर हो गई थी। आपने एक मध्यम जागरूक मध्यम वर्ग की बात करी थी, तो ये जागरूक मध्यम वर्ग आखिर क्या उसी निचले तबके से जाकर निकला था, या फिर सर्वहारा वर्ग की तरफ से एक कोई पहल निकली थी, कुछ एक 10-15 लोगों का एक ग्रुप होगा, ये वो सर्वहारा वर्ग कहा गया, या फिर जागरूक मध्य वर्ग से आपके मायने क्या हैं, थोड़ा सा इसको भी हम अपने बच्चों को समझा दें या समझ लें। बिल्कुल, देखिए जो फ्रांस की सोसाइटी, फ्रांसीसी समाज है, वो तीन कैटेगरी में डिवाइड है, इसके तीन पार्ट है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट स्टेट में क्लर्गी है, जो कि रिलीजियस लोग हैं, रोमन कैथोलिक चर्च के लोग हैं, नोबिलिटी के लोग सेकंड स्टेट में हैं। और अगर हम बात करें थर्ड स्टेट, जो कि 90-95% लोग हैं, इसमें भी तीन कैटेगरी है, मिडिल क्लास, पीजेंट्री एंड वर्कर। जो मिडिल क्लास है, इसके पास पैसा है, पैसा इन द सेंस इसके पास सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि ये डॉक्टर्स हैं, वो इंजीनियर, वो पेशेवर लोग हैं, वो सरकारी पेशा लोग हैं।
लेकिन इनके पास राइट नहीं। सबसे ज्यादा बर्डन इसी थर्ड स्टेट के लोगों पे, पीजेंट्री पे है, वर्कर्स पे है, और जो आपके मिडिल क्लास के लोग। तो ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं जिनको हम बोर्गीज कहते हैं या बुर्जुआ वर्ग, तो ये बुर्जुआ वर्ग में ही जो है जो ये मिडिल क्लास के लोग हैं, और ये जागरूक भी पढ़े लिखे लोग हैं, ये इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये चीजों को समझ सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो इन्होंने ये देखा कि जो देखिए जो नोबिलिटी है, नोबिलिटी जब जब सामंतवादी व्यवस्था आई, तो सामंतवादी व्यवस्था ये राजा को हेल्प करते थे, तो इससे जो इनको टैक्स दिया जाता। बाद में राजा ने अपने कर्मचारी नियुक्त किए शासन कार्य के लिए, तो इनकी उपयोगिता खत्म हो गई, लेकिन फिर भी जो इनके प्रिविलेज राइट्स हैं वो बने हुए थे, और इनको जो है ये कोई इनका कोई रोल ही नहीं था, कोई क्रिएटिविटी थी नहीं, कोई रचनात्मक कार्य नहीं करते थे, ये केवल और केवल जो है पैसा लेते थे, और पैसा लेने के बाद उसका ये मिसयूज करते थे, बहुत ज्यादा करप्शन था। और अगर मिलिट्री की बात करें तो जो पोस्ट थे, हायर पोस्ट थे फ्रांस में, वो खरीदे जाते थे, वो अपने आने वाले सक्सेसर के लिए, अपने बच्चों के लिए वो जो है सिक्योर कर लेते थे उस पोस्ट को खरीद के। तो इस चीज से चिढ़ था जो है मिडिल क्लास को, जो पढ़ा लिखा क्लास है, उसको लगता था कि हम तो उसके योग्य हैं, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास राइट नहीं है कि हम वहां पे पहुंच सके। तो ये चीज जो ये मध्यम वर्ग है, थर्ड स्टेट में जो अपर क्लास है, थर्ड स्टेट में जिसने बताया तीन जो है पार्ट है, मिडिल क्लास, पीजेंट्री एंड वर्कर। तो जो मिडिल क्लास है, पढ़ा लिखा वर्ग है, यही है आपका मध्यम वर्ग या बुर्जुआ क्लास। बिल्कुल मिस्टर डॉक्टर, अभी एक चीज़ और भी हम आपसे जानना चाहेंगे, मेटरनिक के कथन को मैं यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले जेम्स फॉक्स की बात को देख लेते हैं। उन्होंने बोला कि दुनिया में घटित सभी घटनाओं में महानतम ये क्रांति थी, ऑफकोर्स जैसा कि आपने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, और क्रांति ने फ्रांस की महत्ता को इस प्रकार बढ़ा दिया था कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं मेटरनिक के कथन से, कि उन्होंने कहा था कि फ्रांस को अगर जुकाम होता है तो संपूर्ण यूरोप छींकता है। इस कथन के आलोक में मैं चाहता हूँ कि 2 से 3 मिनट जो घटित हुआ, आखिर क्यों ऐसा स्टेटमेंट मेटरनिक की तरफ से कोड हुआ, थोड़ा सा जरूर बताएं। मेटरनिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो उपजी हुई आइडियोलॉजी थी, जो विचार था, उसको एक इन्फेक्टियस डिसीज मानते थे, क्योंकि मेटरनिक राजतंत्र के समर्थक थे, और मेटरनिक का ये मानना था कि अगर यहाँ पे इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी जैसा कि इनका संदेश था विश्व को, अगर ये चीज कहीं ना कहीं आएगी तो हम जो हमारा राजत्व है वो खतरे में पड़ जाएगा, और इसीलिए वो इसके विरोध में थे, और इसीलिए वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो आइडियोलॉजी है इसको एक इंफेक्टियस डिजीज की तरह देखते थे, और वो पहले वाली व्यवस्था जो रेजिम व्यवस्था, जो पुरातन व्यवस्था था, उसको वो लागू करना चाहते थे, और वियना कांग्रेस में यही डिसीजन लिया गया, और फिर से राजतंत्र स्थापित किया गया, फिर से बोर्बन डायनेस्टी के लुई 18 को दे दिया गया। तो ये जो चीजें थी, मेटरनिक का ये मानना था कि ये जो है फ्रांसीसी क्रांति, ये एक तरह से इंफेक्टियस डिजीज है, और इसीलिए इसके अगेंस्ट में थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनकी उनका जो बिलीफ था मोनार्की, मोनार्किज्म में, जो राजतंत्र में, वो कहीं ना कहीं जो है अगर ये चीजें जाती, ये आइडियोलॉजी उनकी आ जाता, नेशनल फीलिंग की राइज होता, तो वो भी प्रभावित होते उससे, इसीलिए वो जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी को सप्रेस करना चाहते थे, और इसीलिए वीना कांग्रेस में डिसीजन लिया गया और पुरानी व्यवस्था फिर से लागू की। बिल्कुल, फ्रांस की क्रांति कहते हैं कि इसको, इससे एक इतिहास के बड़े कहते हैं हिस्से को समझने में हमें मदद मिलती है। वहाँ पर आपने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे जैसे बड़ी बड़ी चीज़ों को घटित होते हुए देखा, और सामान्य सिद्धांत की जो भूमि थी वो फ्रांस की क्रांति को देखा जा सकता है। चलिए आपको लेकर चलते हैं अब टेनिस कोर्ट की घटना में, जहाँ पर एक शपथ समारोह हुई थी। जल्दी से, वक्त बहुत मुख्तसर है डॉक्टर सिंह, देखते हैं कि इस शपथ कोर्ट में क्या हुआ था, टेनिस कोर्ट में जो शपथ हुई थी, थोड़ा सा इसके बारे में भी जल्दी से बताएं। बिल्कुल सर, देखिए फ्रांस में जो इकोनॉमिक कंडीशन है डे बाय डे जो है बहुत ज्यादा वीक होती जा रही है। कारण क्या है कि और ये गवर्नमेंट रन करने के लिए जो है पैसे, देखिए जो वहाँ के जो स्टेट की ट्रेजरी है और जो रूलर की ट्रेजरी है उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। तो ये जो चीजें थी इसके लिए जो है बार बार जो मिनिस्टर बदल रहे हैं, और मिनिस्टर बदलने के बाद बार बार वो कह रहे हैं कि आप नोबिलिटी पे जो है टैक्स इम्पोज करिए, टैक्स लगाइए, अगर टैक्स आप नहीं लगाएंगे तो ये चीजें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगी, वो चला नहीं पाएंगे। तो जो तुर्जो नैकर और जो कैलोन है, तो उन्होंने फिर जब नोबिलिटी के लोग तैयार नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, नोबिलिटी का आप मीटिंग रखिए, एक काउंसिल बुलाइए उनकी, तो एक मीटिंग रखी गई, लेकिन उसमें नोबिलिटी तैयार नहीं, और उसमें ये डिसीजन लिया कि स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलाई जाए। स्टेट जनरल इट मीन्स जो तीनों स्टेट हैं समाज में उनके प्रतिनिधि चुन के आएंगे, और ये पहली मीटिंग हुई आपकी 5 मई 1789, और यहाँ पे 6 मई को यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, 6 मई को प्रॉब्लम हुआ टाइप ऑफ वोटिंग को लेकर, क्योंकि जो तीनों सदन चाहते थे कि हर एक सदन का एक वोट हो, नोबिलिटी जो थर्ड क्लास, जो थर्ड क्लास के लोग हैं ये चाहते थे, इट मीन थर्ड स्टेट के जो लोग हैं ये चाहते थे कि नहीं वोटिंग बाय हेड हो, यानी कि ये लोग 600 थे, बाकी 300।
तो इनका ये कहना था कि ये चीजें होनी चाहिए, तो बाकी दो लोग इसको कॉपरेट नहीं कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं इनके प्रिविलेज राइट्स खत्म हो जाते। तो यहाँ पे जो ये थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने जो है अपनी मीटिंग जारी रखी, और इनसे लगभग अगर हम बात करें 13 जून को तीन पादरी जैलेट के नेतृत्व में आगे मिल गए, इट मीन्स जो फर्स्ट स्टेट के, और 14 को 9 आगे मिल गए। तो इसने 17 को एक डिसीजन लिया कि इसने अपने आप को कहने लगे ये नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय महासभा, और काफी विचार विमर्श के बाद जो फर्स्ट स्टेट लोग हैं, क्लर्की क्लास है, उन्होंने 19 को इनको ज्वाइन कर लिया। और जब ये 20 को मीटिंग करने के लिए मीटिंग हॉल में पहुंचे तो वहां पे रूलर ने रिएक्शनरी और जो नोबिलिटी के प्रभाव में आके उसमें लॉक लगवा दिया। तो ये लोग फिर पास में एक बिल्डिंग थी जिसमें एक टेनिस कोर्ट था, वहां पे मीटिंग करने गए, और वहां पे जब मीटिंग करने गए तो वहां पे उन्होंने एक शपथ लिया कि जब तक हम पूरे एंटायर फ्रांस के लिए संविधान नहीं बना लेंगे हम यहां से अलग नहीं होंगे। ये एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि अब इनकी पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। पहले तो 600 कैंडिडेट हैं ये लोग, 600 प्रतिनिधि हैं, दूसरे इनको क्लर्की क्लास ज्वाइन कर चुका था, तो अब केवल नोबिलिटी और राजा ही केवल अकेले। तो ये जो था ये टर्निंग पॉइंट था। इसमें जो आपके बेली ने जो है ये शपथ लिया, मोनियर ने प्रस्ताव पारित किया कि जब तक हम संविधान नहीं बना लेंगे तब तक हम अलग नहीं, और उन्होंने संविधान बनाया, और ये संविधान फ्रांस के लिए बना जिसमें जो है रिपब्लिकन की बात की गई, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, रिपब्लिकन नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इट मींस राजा होंगे लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो ये टेनिस कोर्ट की घटना थी। बिल्कुल, और समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन निश्चित रूप से फ्रांस की इस क्रांति के सहारे हमने काफ़ी कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करी, क्योंकि यूरोप की महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली देश था वो था फ्रांस, और वहाँ पे फिर एक ऐसी चीज़ आ गई कि मान लीजिए जो अर्ध स्वतंत्र राज्य थे, जो औपनिवेशिक राज्य थे, उन्होंने उस निर्ममता को ख़त्म करने की कोशिश की, तानाशाही सरकार का दमन हुआ, फिर वो एक विश्वास उन लोगों में जाकर परिलक्षित हुआ, और फिर उन्होंने अपने आप को अर्ध स्वतंत्र से पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाने की राह में झोंक दिया, अन्य रूप से फिर वे क्रांतियाँ वहाँ पर होती चली गई। तो एक अनूठा उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करती हुई नजर आई फ्रांस की क्रांति, जिसके हमने कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर समझने की कोशिश की। आपके पास ज़रूर टेक्स्ट बुक होगी, उसको आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो उसमें और भी आपकी समझ विकसित होती चलेगी। डॉक्टर सिंह, आपके इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए, आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर हम बोले इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन, सर समाप्त हो गया अब सेशन, अब हमारे पास वक्त नहीं है, अब अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि हम आपको दोबारा लेकर आए, और बहुत मजा आ रहा था। एटलीस्ट सर ये पूरा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है लगभग 1.5 घंटा लगेगा इसमें, निश्चित रूप से 1.5 घंटा लगेगा, ज्यादा जो है समराइज करके 25 मिनट में तैयार किया था, लेकिन आपने मुझे कल क्वेश्चन है सर। ठीक है सर, मैं आशा करता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम जो है मुझे समय जरूर देंगे, और मुझे अपने विचार को प्रकट करने का मौका जरूर देंगे। जरूर जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, और जितने भी दर्शक हमें देख रहे थे उनका भी शुक्रिया। आगे है मैथमेटिक्स, जहां पर हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री फाइनल पार्ट, छोटे से ब्रेक के बाद।